छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के नेतृत्व में गांजा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत ही नगरनार पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 113 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी में अवैध गांजा लेकर देवड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर बताए गए जगह पर भेजी। बता दें कि जैसे ही आरोपी की गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पहुंची, पुलिस ने तुरंत गाड़ी रोककर चेकिंग की तो उसमें 113 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 11,30,000 रुपए आंकी गई है। इसके तहत ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की।